So today we'll start with the seed and fruit development. Basically ये तो पता होगा ना कि seed कौन से पार्ट से डेवलप होना शुरू होता है एंड फ्रूट कौन से पार्ट से डेवलप होता है। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर सीखा है, डबल आवाज होती थी। so from which part the seed is developed, can you tell me? We have studied the structure of flower, right? From which part of that flower the seed is developed and from which part of the flower fruit is developed. These were the topics of MCQs for your 10th standard. From the ovary, the fruit is developed. Ovary is converted into a fruit, and the ovules, which are present in the fruit, those are modified into seeds. ठीक है? So one minute. ये जो पार्ट होता है दिस इज ओव्यूल, राइट ना? दिस ओव्यूल विल डेवलप इनटू अ सीड, इनसाइड द सीड द एम्ब्रियो लाइज, ठीक है? एंड द ओव्यूल इज ऑलवेज सिचुएटेड इनसाइड द ओवरी, बराबर है? सो दैट ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये सारी जो चीजें होती है वो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये जो ओवरी है होती है दिस विल डेवलप इनटू अ फ्रूट. ये जो लाल डॉट्स दिख रहे हैं दीज आर द ओव्यूल्स, दीज ओव्यूल्स विल डेवलप इन टू द सीड्स. ठीक है, आपने ब्रिंजल तो देखा होगा ना, तो ब्रिंजल के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर के कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, सो वो होता क्या है एक्चुअली, ये होता है, ये जो सेपल्स होते हैं ना, दीज आर वो जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ब्रिंजल के ऊपर, दीज आर द सेपल्स जो परसिस्ट होते हैं. एंड जो ब्रिंजल होता है प्रॉपर, जिसको हम फ्रूट में ये कर सकते हैं, दिस इज दिस ओवरी, ये ओवरी होती है जो डेवलप होके बड़ी हो जाती है. समझ में आ गया? एक एग्जांपल दिया आपको जब मैंने आपको. क्लियर है किस चीज से क्या डेवलप होता है? सो बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से हमने देखे कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन, सो दैट द न्यू जनरेशन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज रिप्रोडक्शन, एंड ड्यू टू दिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज हैपन्स. अगेन देर इज वन पॉइंट की इवोल्यूशन के लिए भी वो हेल्प करता है. So basically for continuation of any species, reproduction is very important. Now in case of plants, seeds are the part from which the new generation is going to be formed. बराबर है ना? क्योंकि seeds के अंदर embryo होता है, right? तो seed form होने के लिए सबसे पहले जो prerequisite है, that is of फर्टिलाइजेशन. सो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होना जरूरी होता है एंड उसके बाद ही आगे जाके सीड फॉर्मेशन होगा एंड देन फ्रूट फॉर्मेशन होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, सो इससे भी पहले फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन जो होता है वो होना इम्पोर्टेंट होता है. सो दीज आर ऑल द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट. पॉलिनेशन, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट फॉर्म होगा,
एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड द ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड एंड देन द ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट. समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट इस पैराग्राफ में वही एक्सप्लेन किया है. द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इज टू क्रिएट द ऑफस्प्रिंग्स दैट इज द न्यू जनरेशन. वन ऑफ द वेज दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स इज बाय फॉर्मिंग सीड्स, राइट? बिकॉज द सीड्स आर द पार्ट्स इन विच एम्ब्रियो इज प्रेजेंट. सो दैट इज वाई सीड फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट होगा? आगे की जनरेशन फॉर्म करने के लिए. Because seeds contain the embryo, the flowers must be pollinated in order to produce seeds and fruits. So that is why सबसे पहले important part क्या होता है? Pollination. There should be should pollination should happen and then and then only the fusion of gamete का जो process होगा वो होगा. Seed development is initiated by fertilization. If fertilization does not happen, नहीं ऐसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी सीड फॉर्मेशन होता है. वो आगे जाके हमको देखना है. दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकल्प. बट इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो स्पेसिफिक प्लांट्स है जिनमें फ्लावर्स एज अ सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, उनमें ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट होता है दैट इज पॉलिनेशन. उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन एंड देन ओनली सीड फॉर्मेशन विल हैपन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सीड फॉर्मेशन दो टाइप से होता है. एक होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन भी सीड फॉर्मेशन होता है जिसको हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेप्स खाए होंगे. कुछ ग्रेप्स के टाइप्स होते हैं जो सीडलेस होते हैं, कुछ होते हैं जो विद सीड्स होते हैं. तो सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी. उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है? सो दैट इज वाई यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक किया कि सीड डेवलपमेंट के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी होता है. ऐसे नहीं है क्योंकि दो टाइप से हो सकता है सीड फॉर्मेशन. बट इन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें स्पेसिफिकली इफ फर्टिलाइजेशन अगर होता है तभी सीड की डेवलपमेंट शुरू होती है. समझ में आ रहा है? सीड डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फर्टिलाइजेशन बिकॉज पार्थेनोकार्पी ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम प्लांट्स. समझ में आ रहा है? बट ऐसे जो प्लांट्स है जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे प्लांट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड डेवलपमेंट शुरू होगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ उसका? फिर वो ग्रेप्स में कैसे होता है विदाउट सीड? वो हमको सीखना है. उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है. डिफरेंट डिफरेंट टाइप है. ये जो एपियोमिक्सिस वगैरह सीख रहा है ना उसमें हम समझ जाएंगे कि कैसे होता है. एक्चुअली जो एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक का कोई भी सेल जो है इट एक्ट्स एज अ जाइगोट. समझ में आ रहा है? जाइगोट कैसे बनता है? एक्चुअली मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होके फिर होता है, राइट? तो जाइगोट का जो फंक्शन होता है वो वही सेम फंक्शन एम्ब्रियो सैक जो होती है उसका सेल करता है, या जो न्यूसेलस होता है उसका कोई भी सेल जो है वो सेम फंक्शन जाइगोट के जैसे करेगा, या तो जो स्पोर मदर सेल होती है वो सेल फंक्शन करती है जाइगोट के जैसे. देन देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन. समझ में आ रहा है? सो इन दिस वे सीडलेस फ्रूट्स आर डेवलप. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन. सो ऐसे जो प्लांट्स है जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है, नेसेसरी होता है, ऐसे प्लांट में फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है फॉर सीड डेवलपमेंट, ठीक है? एवरी प्लांट पार्थेनोकार्पी शो नहीं करते हैं. दैट इज वाई ये सेंटेंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. इफ दोज प्लांट्स आर नॉट शोइंग पार्थेनोकार्पी देयर शुड बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होना जरूरी होता है ऐसे प्लांट्स में. एंड जब फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट. क्लियर है? नाउ जो सीड फॉर्म होता है उसको पोर्ट्स होते हैं, दो पोर्ट्स होते हैं. हमने देखा जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, द इंटेगमेंट्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल परसिस्ट एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड पोर्ट ऑफ द मैच्योर सीड.
अगेन आई विल शो यू द डायग्राम. ये जो इंटेगमेंट्स होते हैं दिस इज द आउटर इंटेगमेंट एंड ये वाला जो है ये इनर इंटेगमेंट है राइट. ये जो इंटेगमेंट्स होते हैं यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर एम्ब्रियो तैयार होगा राइट. हमने अभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट सीखा है. यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है एंड एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद ये जो पार्ट होता है इट इज कन्वर्टेड इंटू अ सीड करेक्ट है. सो दिस सीड विल हैव टू कोट्स. आउटर इंटेगमेंट विल फॉर्म वन कोट एंड द इनर इंटेगमेंट विल फॉर्म अनदर कोट. समझ में आ गया. So the integuments of the fertilized ovule, they persist and get transformed into the seed coat of the mature seed. Now यहाँ पर जो dicot seed है उसका एक छोटा सा डायग्राम दिया है यहाँ पर. These are the two cotyledons. ठीक है. यहाँ पर जो है ये seed coat है. Now seed coat हमने देखा दो कोटिंग्स होते हैं सीड कोट के. एक आउटर होता है एक इनर कोटिंग होता है. यहाँ पर दो कॉटिलीडॉन्स हमको दिखा है एंड इन इस कॉटिलीडॉन में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी वो जर्मिनेट हो जाएगा. नाउ कल जो हमने टॉपिक देखा था रेडिकल हाइपोकोटिल एंड इपिकोटिल जो एक एक्सिस होता है इस तरीके से. यहाँ पर एक एक्सिस होता है. इट इज एक्चुअली इनविजिबल. ये हमने स्टडी के लिए बनाया है. एक्सेस जो है जो लोअर पार्ट में होता है दैट इज रेडिकल. रेडिकल से क्या डेवलप होता है आगे जाके रूट. जो सेंटर में होता है दैट इज हाइपोकोटिल. ऊपर जो होता है वो होता है इपिकोटिल. इपिकोटिल से क्या डेवलप होता है जो शूट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना आगे जाके स्टेम वगैरह ये जो डेवलप होगा ये इपिकोटिल से होगा. समझ में आया. इपी यानी अपर पोर्शन में होता है दैट इज वाई इपिकोटिल. हाइपो यानी नीचे के पोर्शन में होता है दैट इज वाई इट इज हाइपोकोटिल. नाउ इपिकोटिल से शूट सिस्टम डेवलप होगा एंड सबसे पहले जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं या सबसे पहले जो लीव्स तैयार होते हैं जिसके बाद फोटोसिंथेसिस आगे शुरू होगा वो डेवलप होता है इपिकोटिल से. क्लियर है ये तीनों पार्ट्स क्या क्या है इपिकोटिल हाइपोकोटिल एंड रेडिकल. ठीक है. नाउ जैसे ये डाइकॉट का देखा हमने सेम उसी तरीके से मोनोकॉट सीड में क्या क्या कहाँ कहाँ पर प्लेस होता है ये बताया है. दिस इज द पार्ट वेयर एंडोस्पर्म लाइज. दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो हियर विच इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट. नाउ इसमें प्लूम्यूल है रेडिकल है. रेडिकल यानी जिससे रूट सिस्टम डेवलप होगा वो हमेशा लोअर पार्ट में होता है. ठीक है. सो दिस इज रेडिकल. रेडिकल को प्रोटेक्शन देने वाला जो ये पार्ट है दिस इज पोलियोराइजा. यहाँ पर प्लूम्यूल है. प्लूम्यूल को प्रोटेक्टिव कवरिंग देने वाला जो पार्ट है दैट इज पोलियोप्टाइड. ये जो पार्ट है जिसमें एम्ब्रियो लाई करता है दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूटिलम एंड दिस इज द एम्ब्रियो. अगेन यहाँ पर जो है वो सीड कोट होगा. आउटर कवरिंग जो होता है वो होगा एंड दिस इज द एल्यूरॉन लेयर. ये प्रोटीन की एक लेयर होती है विच विल अगेन प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड पार्टीशन. एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो में पार्टीशन का काम ये करता है. दिस इज द एल्यूरॉन लेयर. क्लियर है ये पार्ट्स. Clear? Now, seeds sometimes contain two distinct coverings, a typical outer seed coat, which is called as testa, and the inner will be thinner, which is called as tegument. See, हमने अभी क्या देखा कि दो कोट्स होते हैं सीड को, which are formed because of the integuments. ठीक है. So, जो outer integument होता है, that will form the testa.
इनर इंटेगमेंट जो होता है दैट विल फॉर्म द टेगमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड नट का, जो ग्राउंड नट का पॉड होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत थिक होता है, दैट इज टेस्टा। एंड जो इनर होता है सीड्स के ऊपर, दैट इज टेगमेंट, जो पेपरी थिन कवरिंग होता है ब्राउनिश या पिंकिश कलर का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? टेस्टा टेगमेंट समझ में आ रहा है क्या? मैम एक हेलो। बार फिर से बोल कर। सी हमने अभी अभी क्या देखा, जो इंटेगमेंट्स होते हैं दे विल फॉर्म द कवरिंग्स, है ना? सी द इंटेगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल दे फॉर्म द सीड कोट्स, राइट? नाउ सीड कोट जो होते हैं वो दो डिस्टिंक्ट कवरिंग्स होते हैं। अभी डिस्टिंक्ट कवरिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया कि अगर हम ग्राउंड नट का पॉड लेते हैं तो ऊपर का जो उसका कवरिंग होता है वो थिक होता है, जिसको हमको फोड़ना पड़ता है, राइट? बराबर है ना? दैट इज कॉल्ड यस एज टेस्टा, वो टेस्टा होगा। एंड जो उसके बाद अंदर से जो ग्राउंड नट्स निकलते हैं उसके ऊपर पेपरी कवरिंग होता है, थिन कवरिंग होता है ब्राउन कलर का या पिंकिश कलर का, दैट इज टेगमेन। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? सो टेगमेन इज द इनर इंटेगमेंट विच इज थिन, एंड टेस्टा इज द आउटर इंटेगमेंट विच इज थिक। क्लियर है? Sometimes the nucellus of the ovule it persists and it forms a thin papery layer. ये हर एक सीड में नहीं होता है। In some seeds, the nucellus it may persist and it looks like a papery thin covering or papery layer. That papery layer is called as perisperm. ये हमको ब्लैक पेपर या बीट में दिखाई देता है, ठीक है? पेपरी एकदम लाइक आपका जो पेपर होता है उस तरीके से ये दिखाई देता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। दिस डेवलप्स फ्रॉम द न्यूसेलस। न्यूसेलस याद है क्या है? न्यूसेलस इज द आउटर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एक मिनट, आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। सो दैट दिस इज द न्यूसेलस। ये जो पार्ट है ना, ये दिस इज न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर प्रोटेक्टेड होता है एम्ब्रियो सैक। तो जब एम्ब्रियो सैक है ये कन्वर्ट हो जाएगी सीड में, एट दैट टाइम ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट न्यूसेलस, समटाइम्स इन सम सीड्स ये जो पार्ट होता है ये पेपर लाइक थिन लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम तब बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्लियर है? वो तीन हो जाता है। हाँ, थिन हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो सेल्स है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेशन के बाद वो थिन हो जाएगा। Then that part is called as perisperm. In some seeds, the food reserved in the endosperm are partially used up. Now हमने क्या देखा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्यों फॉर्म होता है? एंडोस्पर्म इज एक्चुअली द न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो, बराबर है? जब एम्ब्रियो डेवलप होता है एट दैट टाइम
ये जो एंडोस्पर्म है वो पार्शियली समटाइम्स यूज किया जाता है फॉर न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो ग्रो करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो व्हेन द रिजर्व फूड व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म इट इज पार्शियली यूज्ड अप इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, तो फिर ऐसे जो सीड्स होते हैं इन सच सीड्स द एंडोस्पर्म रिमेन्स कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज अप नहीं होता है, थोड़ा सा ही यूज अप होता है एंड बाकी का जो एंडोस्पर्म होता है वो वैसे ही रहता है सीड के अंदर एंड इट फिल्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड। तो बहुत बड़ा सा पार्ट जो होता है वो ये एंडोस्पर्म ऑक्यूपाई कर लेता है सीड का। ऐसे जो सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स या अल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सी, अभी ये जो सीड है इस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो ऐसा जो सीड होगा जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या अल्ब्यूमिनस सीड। एंड कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज किया जाता है। अभी ये जो सीड है यहाँ पर हमको एम्ब्रियो सॉरी एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है कहीं पर भी? नहीं नो है, क्योंकि क्योंकि दैट एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो, सो देयर इज नो एंडोस्पर्म नाउ इन दिस सीड, ठीक है? तो ऐसे जो सीड्स होते हैं इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन अल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो एंडोस्पर्म का काम हमने देखा कि वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है ऐसे सीड्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो उस वक्त ऐसे जो सीड्स होते हैं उनमें ये जो दो कॉटिलीडॉन्स होते हैं दिस कॉटिलीडॉन्स दे सर्व एज द रिजर्व फॉर फूड। ये जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं ये फूड सप्लाई करने का काम करते हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। क्लियर है? ठीक सो एंडोस्पर्मिक सीड समझ में आ गया? द सीड्स इन विच द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट दैट दो सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स, ओके ठीक है ना? एंडोस्पर्मिक सीड्स में एंडोस्पर्म 100% प्रेजेंट होगा ऐसे नहीं है, उसमें से 20% यूज अप हुआ होता है लेकिन 80% प्रेजेंट होता है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द एंडोस्पर्म। सीड का बहुत सारा पार्ट एंडोस्पर्म ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एंडोस्पर्म बहुत मतलब हाफ हाफ से भी ज्यादा पार्ट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, राइट? सो इन दिस वे दिस ऐसा होता है एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब दिखाई ऐसे देता है कि जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है विच ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सीड, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर कोकोनट मीन्स। नाउ इन अदर सीड्स द एम्ब्रियो एब्सॉर्ब्स फूड रिजर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म कंप्लीटली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस एंड दस द एंडोस्पर्म डिसअपीयर्स कंप्लीटली, पूरा का पूरा वो डिसअपीयर हो जाता है इन द मैच्योर सीड। सो ऐसे जो सीड्स होते हैं द रिजल्टेंट सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, तो ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी पी। समझ में आ गया एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है? द कॉटिलीडॉन्स इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है ऐसे जो सीड्स होते हैं उन सीड्स में कॉटिलीडॉन्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ फूड स्टोरेज एंड इन अदर दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। सो सम सीड्स जो होते हैं उनमें जो कॉटिलीडॉन्स होते हैं दे एक्ट एज अ फूड स्टोरेज फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड इन सम केसेस दे एक्ट एज द फर्स्ट लीव्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फर्स्ट लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस शुरू शुरू करेंगे तभी अंदर का जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है? द माइक्रोपाइल पर्सिस्ट
एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट टू अलाउ द एंट्री ऑफ द वॉटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग प्रोसेस. माइक्रोपाइल याद आ रहा है क्या है? जो इंटेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. तो वो जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. ये है माइक्रोपाइल, ये ओपनिंग जैसे दिख रहा है ना, तो ये ऐसे ही परसिस्ट होता है सीड्स में, एक छोटा सा स्मॉल पोर बनके. नाउ ये पोर काम क्या करेगा? इट विल अलाउ वाटर एंड एयर टू पास इनसाइड द फ्रूट, सॉरी सीड. जब हम सीड्स को सोक करते हैं, घर में भी मम्मी करती होगी ना, जब हम प्रोटीन, हाई प्रोटीन्स के लिए भिगो के रखते हैं, उस वक्त सीड स्वेल हो जाता है. वो क्यों स्वेल हो जाता है? बिकॉज ये जो पार्ट होता है जिसको हम, मतलब जो माइक्रोपाइल है, वो आगे जाके जो स्मॉल पोर में कन्वर्ट हो जाता है, वो अलाउ करता है वाटर एंड एयर, स्पेशली एयर यानी ऑक्सीजन की जरूरत. ऑब्वियसली सिर्फ ऑक्सीजन को वो नहीं अट्रैक्ट करेगा या उसको नहीं एब्सॉर्ब करेगा, तो एज अ होल एयर को एब्सॉर्ब करता है. वन यूज हमने माइक्रोपाइल का देखा कि जो पोर होता है इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन व्हेन द सीड्स आर सोक्ड. दूसरा होता है जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं, जब रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो वो जो रूट्स होते हैं या रूट सिस्टम जो होती है, वो पहला रूट जो होता है वो बाहर जो आता है सीड से, वो इस पोर से बाहर आता है. समझ में आ रहा है? माइक्रोपाइल से वो बाहर आता है. समझता है का? क्लियर हो रहा है? सो अभी जो हमने अल्ब्यूमिनस सीड्स, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होता है ये सीखा, टेस्टा एंड टेगमेंट क्या होता है ये सीखा. ये चारों पार्ट्स सीड के क्लियर है. उसके बाद जो माइक्रोपाइल का यूज देखा या क्या यूज होता है माइक्रोपाइल का, वो क्लियर है दोनों. मतलब जो एक एक्स्ट्रा का मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक आपको ऑलरेडी दिया है एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग सोकिंग प्रोसेस, एंड दूसरा जो रेडिकल होता है वो रेडिकल कम्स आउट फ्रॉम द सीड थ्रू दिस माइक्रोपाइल, दिस इज द सेकेंड यूज. यहाँ तक क्लियर है? द फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड्स. सो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड्स में, करेक्ट है? तो जब ये प्रोसेस शुरू होती है, एट दैट टाइम हमारे बॉडी में जैसे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स, डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम सीक्रीट होते हैं, सेम प्लांट्स में भी डिफरेंट एक्टिविटीज के टाइम कुछ हॉर्मोन्स सीक्रीट किए जाते हैं. तो ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज ऑफ सीड, जब सीड डेवलप होता है इनसाइड द ओवरी, कुछ हॉर्मोन्स सीक्रीट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज हॉर्मोन्स ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. दैट इज वाई यहाँ पर मेंशन किया है कि फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय द हॉर्मोन्स विच आर सीक्रीटेड बाय द डेवलपिंग सीड्स. क्लियर है? सो एज मेंशनड अर्लियर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म्ड and the ovary begins to differentiate into fruit. So, सबसे पहले जरूरी क्या है? Fertilization होना. So, जब fertilization होगा तभी zygote form होगा, जब zygote form होगा तभी endosperm form शुरू होगा होना, endosperm formation शुरू होगा तब embryo शुरू होगा form होना, जब embryo शुरू हो जाता है form होना तभी ovule starts developing into a seed. एंड जब सीड में डेवलप होना शुरू हो जाती है ओविल, एट द सेम टाइम हॉर्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं उस वजह से ओवरी विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ फ्रूट. स्टेप्स समझ में आ गए कैसे कैसे होता है? समझ में आ रहा है? यस मैम. सो द ओवरी बिगिंस टू डिफरेंशिएट
और डेवलप इनटू अ फ्रूट एंड द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। तो जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त जो सॉरी ओवरी का जो आउटर कवरिंग होता है जिसको हम ओवरी वॉल बोलते हैं, दैट वॉल विल डेवलप इनटू द पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी फ्रूट का जो आउटर कवरिंग होता है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटरमेलन कंसिडर करते हैं तो वाटरमेलन का जो बाहर का ग्रीन कलर का कवरिंग होता है दैट इज पेरिकार्प। समझ में आ रहा है? या मैंगो का जो येलो कलर का आउटर कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। बेसिकली इट इज द ओवरी वॉल, वॉल ऑफ द ओवरी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? हाँ सो बेसिकली पेरिकार्प इज अ थ्री लेयर स्ट्रक्चर। पेरिकार्प जो होता है या फ्रूट का फ्रूट वॉल हम जिसको बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स विच गेट्स डिफरेंशिएटेड इन फ्लेशी फ्रूट लाइक मैंगो, कोकोनट एक्सेट्रा। पेरिकार्प के तीन लेयर्स होते हैं, इपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ये 11th केस में होता है। जस्ट बता देती हूँ अभी क्या होता है वो। सबसे इनर जो होगा दैट विल बी एंडोकार्प। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर ये फ्रूट है इसके अंदर सीड होगा, ठीक है ना, सीड हाँ एंड फ्रूट का जो ये वॉल है जो मैंने अभी इतना पूरा लाइन ये किया है यहाँ पर, दिस विल बी द वॉल ऑफ द ओवरी। इतना जाड़ा होगा, कुछ कुछ फ्रूट्स में जाड़ा होता है, कुछ कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उनमें पेपरी थिन होता है, ठीक है। तो जब फ्लैशी फ्रूट यानी जिसमें ये जो कवरिंग होता है ये थिक होता है, अगर ये कवरिंग थिक होता है देन इट शोज थ्री डिफरेंट लेयर्स, एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड इपिकार्प। इपिकार्प यानी पूरा जो ये बाहर का वॉल दिखाई देता है ना, ठीक है, दैट विल बी द इपिकार्प। अंदर का जो फ्लेशी पार्ट होता है जो एडिबल होता है जिसको हम लोग खाते हैं दैट विल बी मीजोकार्प, ठीक है। एंड द पार्ट विच लाइज जस्ट एडजेसेंट टू द सीड दैट विल बी एंडोकार्प। समझ में आ रहा है? अगर हम मैंगो को कट करते हैं तो मैंगो का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं दैट विल बी द इपिकार्प। जो पार्ट हम खाते हैं दैट विल बी द कौन सा पार्ट आएगा वो, मीजोकार्प, बीजनर ठीक है। एंड द पार्ट विच कवर्स द सीड, सीड को जो कवर करेगा पार्ट जो हार्ड होगा मैंगो के, मैं सिर्फ मैंगो का यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हर एक फ्रूट में अलग अलग होगा, फ्रूट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो हार्ड कवरिंग होगा दैट विल बी द एंडोकार्प। समझ में आ गया? नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। फायदे क्या क्या होते हैं सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के? बेसिकली फ्रूट के वजह से जो सीड्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि सीड को प्रोटेक्शन मिलना इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो विच इज गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन इन प्लांट्स। दैट इज वाई सीड को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। एंड दिस फंक्शन इज और प्रोटेक्शन ऑफ सीड जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ फ्रूट्स। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं दैट इज व्हाई दे प्रोटेक्ट द सीड्स। फ्रूट्स प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग सीड्स। सो जब सीड्स डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं एट दैट टाइम द फ्रूट विल प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर दीज डेवलपिंग सीड्स। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स इन द इमैच्योर कंडीशन। सो प्रोटेक्शन का काम करेंगे सीड्स। सर्व एज द इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। न्यू जनरेशन तैयार करने का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है सीड्स इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने क्या देखा, सीड्स छोड़ के सारे जो पार्ट होते हैं, लीव्स होंगे, स्टेम होगा, ये जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स होंगे, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज किए जाने वाले पार्ट्स होते हैं।
सीड्स जो होते हैं दे कंटेन द प्रॉपर एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। तो सीड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोपोगेशन ऑफ और फॉर डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन इन प्लांट्स। 1 मिनट। तो सीड के अब तक के हमने और सीड या फूड फॉर्मेशन के जो सिग्निफिकेंस या फायदे क्या क्या देखे, एक तो द फ्रूट्स विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन व्हेन द सीड्स आर इन ए मैच्योर कंडीशन। द फ्रूट्स विल प्रोवाइड नरिशमेंट व्हेन द सीड्स आर इन डेवलपिंग कंडीशन। सीड्स एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ प्रोपोगेशन बिकॉज दे कंटेन द एम्ब्रियो, राइट। आवाज आ रहा है मेरा? सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर डिस्पर्सल एंड दस हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। नाउ सीड्स एंड फ्रूट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं सो दैट उनका जो प्रोपोगेशन होता है वो दूर दूर की प्लेसेस में हो सकता है। कभी कभी सीड्स जो होते हैं उनको पेपरी फिदरी विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सो दैट विद द हेल्प ऑफ एयर लॉन्ग डिस्टेंस दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। इस वजह से क्या होगा, जो स्पीशीज है उसका जो कवरेज होता है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ ना। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मीनिंग होता है बेसिकली सीड्स जो होते हैं दे कंटेन एम्ब्रियो एंड जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं यानी मॉइस्चर प्रॉपर मिलेगा वाटर प्रॉपर मिलेगा तो ये जर्मिनेट होंगे एंड न्यू प्लांट को दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, राइट। बराबर है कि नहीं? लेकिन डॉर्मेंसी एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में सीड के अंदर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है दोज आर इन अरेस्टेड कंडीशन, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पूरी की पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो। सो डॉर्मेंसी जो होती है इट इज एक्चुअली एक एडेप्टिव मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में, हर एक प्लांट में हर एक सीड में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर इन अरेस्टेड कंडीशन, स्टॉप हो जाती है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम जब बोलते हैं ना उसको, उस तरीके से होता है कि थोड़ी टाइम के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पूरी की पूरी जीरो हो जाती है। एंड ऐसे कंडीशन में वायबल सीड को भी अगर हम सो करते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होता है टिल इट कंप्लीट्स द पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। समझ में आ रहा है? सो हर एक सीड को इस फेज से जाना पड़ता है। कभी कभी देखो हम अगर प्लांट्स लगाते हैं, अभी समर सीजन में बहुत सारे मैंगोस खाए होंगे, अगर कभी आपने उसको सो किया होगा तो सारे के सारे जो मैंगो के सीड्स होते हैं वो एक ही टाइम पर ग्रो नहीं, मतलब एम्ब्रियो से नहीं निकलेगा या प्लांटलेट नहीं निकलता है। कभी कभी तो 6 6 महीने के बाद किसी किसी सीड से प्लांटलेट निकल के आता है। आई हैव ऑब्जर्व दिस पर्सनली ऑल्सो, ठीक है ना। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हर एक सीड का डॉर्मेंसी पीरियड होता है। तो ये डॉर्मेंसी पीरियड जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे के स्टेज में सीड नहीं जाएगा, ठीक है। सो दो द सीड्स आर वायबल। वायबल सीड का मीनिंग क्या है? वायबल सीड यानी सीड इज इन सच अ कंडीशन, यानी हेल्दी सीड होता है जिससे कि आगे जाके प्लांटलेट फॉर्म हो सकता है, ऐसा जो सीड होता है उसको हम बोलते हैं वायबल सीड्स, ठीक है ना। तो वायबल सीड्स भी डॉर्मेंसी पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आगे की प्रोसेस शो करते हैं। तब तक उनमें भी फॉर सम टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो अरेस्टेड कंडीशन में होती है। क्लियर है? डॉर्मेंसी इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट दैट फैसिलिटेट्स द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डॉर्मेंसी।
दिस इज द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट, मतलब यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो पूरी स्टॉप हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उस सीड को जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसमें सर्वाइव करना होता है, दैट इज व्हाई इट अंडरगोज अ डॉर्मेंसी पीरियड, सो दैट इट कैन सर्वाइव दिस हार्ड पीरियड। ये खत्म होने के बाद डॉर्मेंसी खत्म हो जाती है, देन दो सीड्स कैन जर्मिनेट अगेन। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। दिस इज द प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ डॉर्मेंसी, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म यानी मेटाबॉलिक अरेस्ट यहाँ पर होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है, ये फॉर सम टाइम होता है, अडेप्टिव चेंजेस होती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज, और दिस फेज इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। मैच्योर एंड वायबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। सो दो द सीड्स आर वायबल सीड्स, दे विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द फेवरेबल कंडीशन इफ दे आर इन द डॉर्मेंसी पीरियड। अगर वो सीड डॉर्मेंसी पीरियड में है तब फेवरेबल कंडीशंस में भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, दे आर डिस्पर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। तो ये जो डॉर्मेंसी का पीरियड होता है उस पीरियड में ये सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्पर्स किए जाते हैं, होते हैं, एंड देन डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होने के बाद वो उन जगह पर अगेन जर्मिनेट होंगे। वायबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डॉर्मेंसी पीरियड। सो डॉर्मेंसी पीरियड समझ में आ गया क्या होता है या डॉर्मेंसी क्या होती है? नाउ यहाँ पर कुछ ये दिए आपको, सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्डेस्ट मैच्योर सीड्स दैट हैव ग्रोन इनटू वायबल प्लांट्स आर, ये ल्यूपाइनस जो है उसका 10,000 ईयर्स डॉर्मेंसी पीरियड है, फिनिक्स का 10,000 एंड 2,000 ईयर्स ये डॉर्मेंसी पीरियड है, ये यानी इसके बाद ये जर्मिनेट होते हैं। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, जहां पर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एंड शॉर्टेस्ट जिनमें डॉर्मेंसी पीरियड होता है साइट्रस नींबू वगैरह जो है उसमें शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। सम टाइनी सीड्स आर इजी फॉर डिस्पर्सल, इजी डिस्पर्सल के लिए ऑर्चिड्स वगैरह जो होते हैं इनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनका डिस्पर्सल इजी हो जाता है, तो इतना लॉन्ग पीरियड हो सकता है मैच्यूरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी एपोमिक्सिस थोड़ा सा पार्ट हम शुरू करते हैं, बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। जो आज का लेक्चर शुरू होने के टाइम जो हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा एंड देन एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड देन सीड फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद जो ओव्यूल होता है इट विल बी डेवलप्ड इनटू सीड, ये हमने एक सीक्वेंस देखा राइट, जो नॉर्मल प्लांट्स में होता है, नॉर्मली होता है। नाउ एपोमिक्सिस का मतलब है जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्टिल फ्रूट फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फ्रूट नहीं बोल सकते यहाँ पर, कि हमने पहले कैसे देखा कि मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, वो फ्यूज हो जाएगा एंड देन हमको जाइगोट मिलेगा राइट। ये जाइगोट जो है आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा, बराबर है ना? एपोमिक्सिस में ये जो गैमेट्स होते हैं इनका फ्यूजन नहीं होता है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप होता है, देन आगे जाके सीड फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? दिस इज यस मैम। एपोमिक्सिस। सो इन दिस फिनोमिनन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सिंगल एम्ब्रियो मे बी मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हो सकते हैं थ्रू असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। दिस हैपेंस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी गैमेट ही फॉर्म नहीं होगे तो फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट फॉर्म होने का सवाल ही नहीं उठता है,
डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। अल्टरनेटिवली इट इज अनयूजुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, दिस इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, बट दिस इज अनयूजुअल काइंड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज नो मियोसिस। मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट्स ही फॉर्म नहीं होंगे, बराबर है, क्योंकि गैमेट फॉर्म होने के लिए मियोसिस होना जरूरी होता है। सो दिस इज एन अनयूजुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच नो मियोसिस नहीं होगा, देन मियोसिस भी नहीं होता है एंड सिनगैमी भी नहीं होती। सिनगैमी यानी क्या? फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। सो नो मियोसिस, नो गैमेट्स, गैमेट्स नहीं है तो सिनगैमी नहीं होगी, सिनगैमी नहीं है तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एम्ब्रियो डेवलप्स इन द ओव्यूल एंड ओव्यूल डेवलप्स टू फॉर्म द सीड। समझ में आ रहा है एपोमिक्सिस का मीनिंग? यस मैम। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस इन विच देर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, बट देर इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो इन शॉर्ट, एम्ब्रियो इज डेवलप्ड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नाउ ये जो एपोमिक्सिस होता है ये दो टाइप से होता है। एम्ब्रियो डेवलप्स इन द ओव्यूल एंड इन एपोमिक्सिस व्हेन द गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। सी, व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन, गैमेटोफाइट का ऑर्गन, गैमेटोफाइट यानी एनी जो गाइनेशियम है उसका, गाइनेशियम एंड्रोशियम किसी का भी सेल, इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। गैमी कहाँ से आ गया? समझ में आ गया? दिस इज द गैमी, एपोमिक्सिस का एपो एंड गैमी। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गैमेटोफाइट ऑर्गन और गैमेटोफाइटिक सेल, दैट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। क्लियर है एपोगैमी? दूसरा टाइप होता है एपोस्पोरी। सिमिलरली व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल, जो स्पोरोफाइट सेल होता है वो डेवलप करता है डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। यानी हमने क्या देखा, जो गैमेट फॉर्म होता है, गैमेट कैसे होता है? हमेशा हैप्लॉयड होता है ना, बराबर है ना, एन होता है। नाउ गैमेट किससे फॉर्म होता है? जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनसे फॉर्म होता है, बराबर है। ये डिप्लॉयड सेल्स किसके होते हैं? जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, उसके, यानी एंड्रोशियम या गाइनेशियम के, करेक्ट है? तो उसी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट सेल। सो व्हेन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस के बाद जो, और नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, एन एन यानी गैमेट्स एक साथ आके 2n जाइगोट बन जाएगा, है ना, बराबर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, ये जो 2n गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइटिक सेल है वो डायरेक्टली 2n जाइगोट, सॉरी 2n एम्ब्रियो को फॉर्म करती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। स्पोरोफाइट सेल से तैयार होता है, दैट इज व्हाई एपोस्पोरी। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ पक्का? फिर से एक बार बोलती हूँ, एपोगैमी में जो गैमेटोफाइट होता है उसका पार्ट या एनी सेल ऑफ द गैमेटोफाइट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, उसको हम बोलेंगे एपोगैमी। एपोस्पोरी में क्या होता है, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल होता है दैट विल डेवलप इनटू अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विच विल आगे जाके वो एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। दिस इज स्पोरो, एपोस्पोरी। दो टाइप समझ में आ गए ये यस मैम। एपोमिक्सिस के, ठीक है?
बाकी का जो पार्ट है इसके आगे का, एपोमिक्सिस के जो जो टाइप्स होते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस वगैरह, वो कल के लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? ओके मैम। श्योर।